I have recently taken over the position of SP Traffic in Goa, and one of the main priorities for traffic police in Goa is to keep the road safe. Whenever any citizen of Goa or anyone who is visiting Goa as a tourist, he comes to Goa, it is the responsibility of the person who is driving to ensure his safety and also the safety of others. Therefore, one of our priorities of Goa Police is to ensure that we take action on anyone who is found to be driving their vehicles under the influence of either any alcoholic substance or any other intoxicant. And whenever we will find such instances, we will take lawful action as has been prescribed. And as part of these, as a step in this direction, we've been regularly taking action on drunken driving. In no way the idea of the traffic police is to discourage the tourists. We would rather, we want everyone who comes to Goa to have a good time, but they should also remain safe. People should not be inconvenienced in the exercise of doing chalaning, but chalan should happen by ensuring that tourists and everyone finds themselves completely welcomed in Goa. ये हमारे जो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर दो तीन कॉम्पोनेंट्स है इस इशू के अंदर. इसके अंदर देर इज एन इशू ऑफ सॉफ्टवेयर, देर इज एन इशू ऑफ certain people who have done forgotten to log out from their machine. So jitne bhi ye sare issues hain, we are looking into them. We are also coordinating with NIC who have developed this software, and very soon we will come up with a solution for this. So how do you look at this issue of rent a bike for vehicles, and especially in postal ride, number of accidents takes place, then people vehicles are there. Yes. How would you see, or how would you tackle this issue since we are there? We will be tackling it on a case to case basis. If there is an instance of someone who's taken a car on rent and he's drunk, then necessary action will be taken on him accordingly. There are sufficient provisions in the law to deal with all these issues, and he will be dealing with them accordingly. कल बैक टू बैक दो एक्सीडेंट हुए थे ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से. बैंक हुआ था एक पोल को और स्कूटर को. कोस्टल बेल्ट में कौन से इनिशिएटिव्स लेंगे कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली कोस्टल बेल्ट में? कोस्टल पुलिस जो कोस्टल बेल्ट है उसके अंदर हमारा खास ध्यान ये है कि हम नई नई जगहों पे चेकिंग करते रहे, ताकि एक तरीके से एक सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर रहे. और हम ऐसे टाइमिंग्स पे चेकिंग करें जहां पे ज्यादा टेंडेंसी है लोगों की ड्रिंक करके ड्राइव करने की, तो इस तरीके से हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे. और इसके अंदर एक बहुत एलिमेंट इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक्शन लेने का नहीं है, बट एजुकेशन का भी है. तो एक तरीके से जो गोवा ट्रैफिक पुलिस है, अभी आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हम कई ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिसके अंदर हमारा काफी फोकस रहेगा एजुकेशन पे. क्योंकि एक तरीके से जब हम लोगों को ये बात समझाएंगे कि क्यों जरूरी है कि वो ऐसी चीजें ना करें, तो वो खुद से ही काफी सतर्क होके रहेंगे. साइबर क्राइम आल्सो, हाउ यू विल टैकल अबाउट दैट साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज समथिंग विच इज ऑन द इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीजिंगली एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर डिजिटल. सो इन साइबर वी आर रेगुलरली टेकिंग एक्शन ऑन साइबर क्रिमिनल्स. जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है उसके अंदर वी टेक FIR रजिस्टर करके वी टेक रेगुलर एक्शन इज बीइंग टेकन. रिसेंटली ऑल्सो अराउंड 3-4 डेज बैक वी बस्टेड अ मेजर कॉल सेंटर, फेक कॉल सेंटर विच वॉज बींग रन, एंड उस कॉल सेंटर वॉज बींग यूज टू चीट अमेरिकन सिटीजन्स.
तो उसके अंदर वीज अरेस्टेड नंबर ऑफ पीपल ओवर अ डजन पीपल वर अरेस्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन इन इट. सिमिलर टू ट्रैफिक देर इज वी आर रियली फोकसिंग अ लॉट ऑन साइबर अवेयरनेस बिकॉज लॉट ऑफ टाइम इनोसेंट पीपल आर चीटेड बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द न्यू मोडस ऑपरेंडी विच आर बींग यूज बाय क्रिमिनल्स टू चीट इनोसेंट पीपल. तो थ्रू रेगुलर लेक्चर्स थ्रू गोइंग टू स्कूल कॉलेजेस एंड ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यू काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स विच आर कमिंग अप सो दैट पीपल आर अवेयर ऑफ ऑफ सच ट्रेंड्स एंड दे डोंट फॉल प्रे टू इट. They are very well equipped. They are equipped, they are taking regular action and whenever they require an updation of whether equipment or of knowledge, then on a case-to-case basis those upgradations are... Are they able to resolve those local people's issue like someone's website is hacked, someone there is something missing? See, if you are talking about someone's website being hacked, there are technical issues involved in it in which the component of the law enforcement agency is a part of it. The takedown of the website has to be done by either the host countries where it is being hosted. So it's a more complicated issue than just going and catching the criminal, because in cyber everything is so international that sometimes it takes time. And we are also constantly in touch with whether it's the companies which are hosting those websites our endeavor always is that we try to give maximum relief in the least possible time.